होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। बात यह है कि अब हमने एक रिजल्टेंट डिटरमिन करना। रिजल्टेंट बेसिकली क्या होता है, मैं कहूँ कि आप यहाँ से पर्सन ए जो है वो 10 की फोर्स लगा रहा है, जो पर्सन बी है वो 4 की फोर्स लगा रहा है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा। मेरा मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट एक होती है ओवरऑल फोर्स। यार देख के क्या लग रहा है कि वो जो बॉल है जिसको दोनों बंदे खींच रहे हैं वो बॉल ओवरऑल किसकी तरफ जाएगा। फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, ए भी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, ए की तरफ जाएगी, ए भी फोर्स लगा रहा है, बी भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। रिजल्टेंट फोर्स होगी ओवरऑल फोर्स जो कि लग रहा है कि जाहिर सी बात है ए की तरफ जाएगी, लेकिन अब हमें क्या पता कि ए ने कितनी ज्यादा फोर्स लगाई थी कि उसकी तरफ गई है। तो हम ये करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हो या दो फोर्सेस हो एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, आप उनको माइनस करते हैं तो वो आपके पास आंसर आएगा 6। फिर लोग कहते हैं कि आपको क्या पता कि वो जो 6 आया है इन दोनों फोर्सेस को माइनस करके वो राइट की तरफ लगी या लेफ्ट की तरफ। ऑब्वियसली जहां पे लार्जर फोर्स थी उसी की तरफ ये 6 न्यूटन की फोर्स लगेगी और ए की तरफ ओवरऑल रिजल्टेंट बनेगा। तो इसी तरह ग्राफिकल मेथड में एक और चीज आएगी कि ये मेरे पास एक कार है, बहुत कॉमन ए लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, ओ लेवल का सॉरी, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लगी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या राइट पे जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा डायगनल, लेकिन डायगनल भी कितना कितनी किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ ज्यादा जाएगा, इसकी तरफ ज्यादा जाएगा या इसकी तरफ ज्यादा जाएगा? ऑब्वियसली इस तरफ ज्यादा जाएगा, जाएगा डायगनल लेकिन टुवर्ड्स 5 न्यूटन ज्यादा जाएगा। तो ये रिजल्टेंट का मतलब पहले पता होना चाहिए, दैट रिजल्टेंट इज बेसिकली ए ओवरऑल फोर्स। अब ये आपके पास है एडिंग वेक्टर्स का, ठीक है। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि इन एडिंग टू वेक्टर्स वी नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ए है, अब ए में आपने सबसे पहली चीज क्या देखनी है, अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ए बी सी डी ई, ए से हम स्टार्ट करते हैं, एक दो मैं सॉल्व करता हूँ फिर बाकी आप भी कर लें। ए है, ए में ट्रिक क्या है कि दोनों की एक ही डायरेक्शन है, ये भी राइट की तरफ है, ये भी राइट की तरफ है, एक 30 है एक 50 है। जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो मसला ही कोई नहीं, आपने क्या करना है, एड, यू जस्ट हैव टू एड। रिजल्टेंट क्या आएगा, 80 न्यूटन। अच्छा, बी में भी क्या है, बी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में लग रही हैं तो आपको ओवरऑल क्या हो जाएगा, 12 मीटर टुवर्ड द लेफ्ट, डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, 80 न्यूटन टुवर्ड द राइट। ऑप्शन सी का आंसर बताएं क्या होगा, 800 माइनस 500, ठीक हो गया, वो आ गया आपके पास 300। डायरेक्शन क्या होगी, राइट, एग्जैक्टली। तो आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए और आपके पास आंसर है 300 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। सेम इज द केस विद ऑप्शन डी और ई। आपके पास ई क्या होगा, ई बड़े मजे का केस है, लेफ्ट पे भी 6 मीटर है और राइट पे भी 6 मीटर है। इन दिस केस वी कॉल द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को हम आरएफ करके भी लिखते हैं, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो हो जाएगी 0। नाउ दिस 0 इंप्लाइज टू कंडीशंस, नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, नंबर 2 कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, वो चल रहा है लेकिन इट इज हैविंग ए कांस्टेंट स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ना वो रुका हुआ है ना वो चल रहा है। अगर वो रुका हुआ है तो ठीक है, दैट इज एट रेस्ट, तब भी रिजल्टेंट 0 ही होगा, लेकिन अगर वो चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो ही नहीं, तब भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 ही होगी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट वी विल बी स्टडिंग इन चैप्टर नंबर 5 एज वेल। तो ये आपके पास बेसिकली एडिंग वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। हियर वी हैव अ वेक्टर डायग्राम। अ वेक्टर डायग्राम के अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एन एरो, एक ये आपके पास एक एरो है। अब एक एरो आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, कभी कभार जो एरो का साइज होता है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल एक एरो ये है और एक एरो मेरे पास ये है, मैं कहता हूं ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, डायरेक्टली देख के बता सकते कि नीचे लगेगा, क्यों, क्योंकि इस एरो का जो साइज था, द साइज ऑफ दिस एरो डिटरमाइंस द साइज ऑफ द फोर्स, डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जबकि इस एरो का जो साइज था वो स्मॉल था, वो आपके पास ओवरऑल लेस फोर्स को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब मेरे पास एक वेक्टर डायग्राम में ये कोई भी फोर्स हो सकती है, लेट्स से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है इन सम डायरेक्शन। अब इस एरो का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो एरो पॉइंट जिस तरफ कर रहा है, इसको हम कहते हैं हेड और पीछे वाली कहते हैं हम टेल। एक आपस होता है एरिया जिसको हम टेल कहते हैं एंड द फ्रंट एरिया इज नोन एज द हेड। नाउ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड द लेंथ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो एरो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन, जो लेंथ है एरो की, मतलब कि मैं इसी के साथ एक छोटा और एरो बनाऊं, इसका भी हेड है इसकी भी टेल, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेट्स से 2 न्यूटन है, क्योंकि उसका साइज ही छोटा सा है। तो जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो आपके पास इस तरह डायरेक्शन भी आ जाएगी, आपको इस मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, और आपकी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर डायग्राम। पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है? दिस इज यूज्ड फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स का हमने अब निकालना है रिजल्टेंट एंड दैट इज डन बाय अ पैरेललोग्राम मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये मेरे पास एक वेक्टर बी है। अब हमने क्या करना है, हमने डिटरमिन करने के रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू यूज हेड टू टेल रूल, और आपने बेसिकली दो वेक्टर्स की टेल को कनेक्ट कर देना है। रूल क्या होगा, जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, नॉर्मली द रिजल्टेंट वेक्टर इज मार्क्ड विद द डबल एरो। आपने क्या करना है, दोनों वेक्टर पकड़े, ये पकड़ा, इसकी टेल कहाँ है, ये रही, इसी टेल के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को भी जोड़ दें। ये दूसरे वेक्टर की भी टेल इधर थी और उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा था, तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आप बीच में बनाएंगे एंड यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके पास एक हेड टू टेल रूल भी आएगा। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि आप इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करें और फिर यहां से एक लाइन खींच दें, तो दैट वुड आल्सो रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट फोर्स। वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इट वुड बी प्रीटी मच क्लियर। वर्क्ड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट शोन बिलो, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स। अब एक वेक्टर आपके पास यहाँ पे है जो कि है 4 न्यूटन का, और एक वेक्टर थोड़ा सा स्मॉल ऐसे जो कि है 3 न्यूटन का। तो अभी मैंने दोनों की टेल्स ज्वाइन कर दी, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, विच वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। ये मेरे पास आ जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपके पास यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर वन क्या होगा, स्टेप नंबर वन वुड बी सेट द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग। आपने एक स्केल बनाना होगा, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा स्केल है कि मेरे स्केल का 1 सेंटीमीटर वुड रिप्रेजेंट 1 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है जब मैंने 4 न्यूटन की लाइन लगानी होगी, मैं कितना सेंटीमीटर बनाऊंगा एरो स्केल से, 4 सेंटीमीटर। कभी कभार आपको पेपर में बड़े फोर्सेस भी दी जा सकती है जैसे कि 100 न्यूटन, फिर क्या करेंगे वहां पे 100 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे? नहीं, यू कैन मेक योर ओन स्केल। आप कहें कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 10 न्यूटन। आपको वहां पे खुद से स्केल डिसाइड करना हो सकता है, आपको नहीं पता कि आपको वहां पे कितनी फोर्स दी जा सकती है। ये 4 न्यूटन 3 न्यूटन तो चलो इजीली बन सकती है, 100 न्यूटन आगे तो क्या करेंगे, वुड यू बी ड्राइंग 100 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन? नो, यू हैव टू मेक योर ओन स्केल। आप स्केल बनाएं कि एग्जामिनर को बता दें पहले कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 100, तो आपको 100 न्यूटन के लिए कितनी सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ यू मेक अ स्केल। Once आपका स्केल हो गया है 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 न्यूटन, यू हैव टू ड्रॉ योर 2 लेबल्ड वेक्टर्स, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। ये आपके पास लाइन जो थी 3 सेंटीमीटर की लगी और ये आपके पास लगी है लाइन 4 सेंटीमीटर की। वंस यू हैव डन दिस कम्प्लीट योर रेक्टेंगल, यहाँ पे भी आपने एक और 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और यहाँ पे भी एक और आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, देन यू हैव टू कनेक्ट द कॉर्नर्स और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ड्रॉन। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड और द रेक्टेंगल मेथड एज वेल। दिस इज हाउ यू ड्रॉ योर रिजल्टेंट वेक्टर। जब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर लग जाएगा फिर आप इसको मेजर करें, लेट्स से ये आप जब स्केल से मेजर करेंगे आपके पास आता है 5.5 सेंटीमीटर, तो आप इजिली एग्जामिनर को बता सकते हैं दैट द आंसर फॉर योर रिजल्टेंट फोर्स इज 5.5 सेंटीमीटर, नहीं 5.5 न्यूटन।
वो तो आपने स्केल बनाया हुआ था ना, एंड पे आंसर यू हैव टू गिव इन योर न्यूटन फोर्स. मेजर योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट डायरेक्शन, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ दीज आर द टू वर्कड एग्जांपल्स दैट विल बी वन ऑफ योर असाइनमेंट्स. इसको मैं प्रिंट स्क्रीन भी कर लेता हूँ, एंड यू विल बी सॉल्विंग दिस एज एन असाइनमेंट, एंड दिस इज ऑल फॉर वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज. लेट मी ओपन अप अ शॉर्ट वीडियो.